दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे दोस्त कैसे बनाएं। जी हाँ, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि अच्छे दोस्त कैसे बनाएं। हे गाइस, दिस इज दीपक कुमार, यू वाचिंग फॉर डीटेक वर्ल्ड। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसके भी बहुत सारे दोस्त हो, बट अच्छे हो, जिनके साथ वो घूम सके, मस्ती मार सके और मूवी देखने जा सके, पार्क में खेल सके, इत्यादि कार्य कर सके। बिना दोस्त के आज के टाइम में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि अकेलापन किसी को भी पसंद नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है? फ्रेंड्स के होने से आपकी अलग सी खुशी महसूस होती है। आपके फ्रेंड्स बनाना मुश्किल नहीं है, बट अच्छे दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से अच्छे दोस्त बनाए जाए। तो सबसे पहली बात की जाए दोस्तों, तो लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आप न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। जितना हो सके उतना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसा करने से आप जल्दी ही उन सभी के साथ घुल मिल जाओगे और फ्रेंड्स बन जाओगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार तू मेरा दोस्त बन जा, वो ऑटोमेटिक ही बातचीत से आप अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आप दोस्त बन जाएंगे। दूसरी स्टेप यह है कि अच्छे लोगों पे फोकस ज्यादा करें। दोस्त बनाने में तो बन जाते हैं, बट उनमें से इक्का दुक्का ही ऐसे होते हैं जो आपकी समझ के होते हैं। बोलने का मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग सही रहती है, बात करने का तरीका, हर चीज को समझाता हो तो थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे, खुशी में साथ हो तो दुख में भी मोटिवेट करे। अगर अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो तो उनमें ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, और बनना तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्त बनाने का। तीसरी स्टेप यह है कि हमेशा साथ रहें। दोस्ती का यह मतलब नहीं है कि हेलो हाय, बल्कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। जितना आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही आप को एक दूसरे को समझ सकोगे और उतनी ही गहराई दोस्ती में बढ़ती जाएगी। पांचवी स्टेप यह है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को गाइड करें। अच्छे दोस्त की यही निशानी होती है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को गाइड कर सके। ऐसी काफी चीज होती है जिसके बारे में हम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मौके पर हम एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्त बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं, अर्थात दोस्ती गहराई में पहुंच जाती है और दोस्त अच्छे बनते चले जाते हैं। छठवीं स्टेप यह है कि हमेशा फेस पे स्माइल रखें। अगर आप हमेशा चुप रहे या फिर मायूस से रहोगे तो आपके दोस्त बहुत कम होंगे और आपको आपके दोस्त भी पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा जब भी रहें फेस पर स्माइल रखें, तो आपके दोस्त भी आपसे मोटिवेट रहेंगे। सातवीं स्टेप यह है कि अपने दोस्तों से लंच या कॉफी के लिए जरूर पहुंचें। अगर आप ऑफिस में काम करते हो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, तो अपने सहयोगियों से आप लंच या कॉफी के लिए ऑफर जरूर करें। ऐसा करने से आप उनके साथ घुल मिल जाओगे और अच्छी तरह से बात भी कर पाओगे। ज्यादा बातचीत से दोस्ती बढ़ती है और अगले बार वो आपको भी लंच या ऑफिस के लिए ऑफर जरूर करेगा। इस बीच में दोस्ती आपकी गहरी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, कुछ ये ऐसी स्टेप्स हैं जिनमें आप जान पाए हैं कि अच्छे दोस्त किस तरीके से बनाए जाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। और यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे डीटेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।